नमस्कार, मैं हूं मुशर्रफ पालवी और आप देख रहे हैं ईशा न्यूज। ईशा न्यूज में आपका स्वागत है। कल यानी के बृहस्पतिवार के दिन बिजली गिरने से दो लोगों की मौत जहानाबाद में हो गई थी। एक मौत जो जहानाबाद के घोसी ब्लॉक में हुई, वहां आज रालोसपा के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। ठनका गिरने से अजय यादव की मौत पर दुख प्रकट करते हुए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जिलाध्यक्ष पिंटू कुशवाहा ने कहा कि अजय यादव की मौत वज्रपात से होने पर हम लोग दुखी हैं। वहीं आपदा विभाग के द्वारा दिए गए 4 लाख रुपए पर पिंटू कुशवाहा ने कहा कि सरकार द्वारा उन्हें कम से कम 10 लाख रुपए देना चाहिए। वज्रपात गिरा है, उसमें जहानाबाद जिले से दो ब्लॉक में, एक घोसी विधानसभा और मखदुमपुर ब्लॉक में एक की मौत हो चुकी है। अभी अभी मैं अपने पदाधिकारियों के साथ घोसी विधानसभा के 100 बीघा पंचायत के ग्रामीण अजय यादव जी की मौत कल वज्रपात गिरने से हो गई और बहुत निर्धन परिवार से अजय जी आते थे। जब मैं वहां गया तो उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं और इनकी कमाई से ही उनका परिवार का भरण पोषण होता था। और ख़ास तौर पर हमारे बड़े भाई के रूप में रह चुके हैं और हमारे पार्टी के लिए भी बहुत ही शुभचिंतक माने जाते थे। बहुत दुख हुआ मुझे जब मैं सुना कि हमारे अजय यादव जी इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे बहुत ही दुख हुआ क्योंकि मैं उनके पास जब जब ही घोसी विधानसभा में जाता था तो उनके पास ज़रूर जाता था।